नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजय नाथ स्मृति भवन सभागार में लोगों ने किया योगाभ्यास। साप्ताहिक योग शिविर का हुआ समापन। कहा, शारीरिक बीमारियों को दूर करने का महत्वपूर्ण माध्यम है योग। आजवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सदर सांसद रवि किशन सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने योग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने का दिया संदेश। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने उद्यमियों के साथ आयुक्त सभागार में की बैठक। कहा, उद्यमियों के समस्याओं का अधिकारी प्रमुखता के आधार पर करें निस्तारण। अग्निवीर योजना पर देश भर में हो रहे प्रदर्शन पर सदर सांसद रवि किशन और विधायक विमलेश पासवान ने कहा, जो लोग आगजनी व कर रहे हैं प्रदर्शन, वह नहीं हो सकते हैं फौजी, नहीं है उनका उद्देश्य देश सेवा करना। कचहरी बस स्टैंड पर एक डग्गामार बस को रोडवेज के कर्मचारियों ने सवारी भरते पकड़ा। यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के कर्मचारियों ने कहा, बस को आरटीओ के माध्यम से करवाया जाएगा सीज। डग्गामार बसों से रोडवेज बसों को होता है नुकसान। आरटीओ अनीता सिंह ने कहा, बस का चालान कर की जा रही है अग्रिम विधिक कार्यवाही। और गोरखपुर विश्वविद्यालय में आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने योगाभ्यास कर निरोगी काया का लिया मंत्र। कहा, योग करने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का होता है संचार, रख सकते हैं अपने तन मन तथा मस्तिष्क को स्वस्थ। अब खबरें विस्तार से। अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजय नाथ स्मृति भवन सभागार में लोगों ने योगाभ्यास किया तथा शिविर में योग प्रशिक्षुओं, गोरखनाथ मंदिर के अधिकारी, कर्मचारी, संस्कृत विद्यापीठ के आचार्य, छात्र, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, एडीजी जोन अखिल कुमार, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, द्वारिका तिवारी व वीरेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी भी योग शिविर में उपस्थित रहे। योगाभ्यास का कार्यक्रम प्रातःकाल 5:30 बजे से गुरु गोरखनाथ योग संस्थान के योग प्रशिक्षक योगी सोमनाथ के योगाभ्यास में प्रारंभ हुआ। प्रातःकाल 6:40 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैसूर से ऑनलाइन जुड़े योग प्रशिक्षु ने उनके अभिभाषण के बाद अनंतर उनके साथ योगाभ्यास कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, जिसके संबंध में गोरखनाथ मंदिर के प्रभारी द्वारिका तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित आज पूरा देश योगा दिवस मना रहा है। कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में भी योग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में प्रतिदिन योगा का कार्यक्रम होता है। हमारे शारीरिक बीमारियों तथा पूरे दुनिया में विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, इसको दूर करने के लिए योग ही एक महत्वपूर्ण माध्यम है। योग करने से शरीर के हर प्रकार की बीमारियां दूर हो सकती हैं। वहीं अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में योगा के कार्यक्रम में योगा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का संदेश हर जगह बढ़ता जा रहा है और पूरे विश्व से हर एक व्यक्ति इस अभियान से जुड़ रहा है और योग के माध्यम से जीवन शैली और स्वास्थ्य के सुधार में पूरा विश्व अग्रसित हो रहा है। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का उद्देश्य है कि हम अपने जिंदगी के भाग दौड़ में अपने स्वास्थ्य का देखभाल सही ढंग से नहीं कर पाते हैं और दवा डॉक्टर के चक्कर में रहते हैं। अगर हम लोग योग करते हैं तो जरूर स्वस्थ रहेंगे। योगा हम सभी को हर रोज करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण को एडीजी जोन अखिल कुमार तथा गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ द्वारा स्मृति चिन्ह के रूप में भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट किया गया। इसके पूर्व योग प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र भी दिया गया। इसी के साथ ही साप्ताहिक योग शिविर का समापन भी हो गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर के प्रभारी द्वारिका तिवारी और जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश एवं अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने कहा, Thank you.
महायोगी गुरु गोरखनाथ योग संस्थान एवं फल होने जा रहा है। धीरे से आएंगे, थोड़ी को कंठपूप से लगाएंगे, पुनः सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं, सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में जाएं। इसके बाद सांस भरते हुए फिर राइट की तरफ जाएं, सांस छोड़ते हुए कमलनाथ जी महाराज हैं, आप उन सभी उन आप श्री का राइट की तरफ जाएं, सांस भर पुनः आ जाएं सामान्य स्थिति में, सांस भरते हुए इसके बाद सांस भरते पुनः वापस आ जाएं। तीन बार इस प्रक्रिया को दोहराना है। पुनः सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें। इसके ताड़ासन का अभ्यास करेंगे तो इससे आपका बैलेंस बन जाएगा। नितंब के नीचे दबा दें, हिप से नीचे बटक के नीचे दबा दें, फिर लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ें, बटक के नीचे दबा दें और दोनों हाथों के अतिरिक्त घुटनों पर रख दें। इन लोगों का हरने की समस्या है, पेट में कोई इंजरी हुई है, एब्डोमिनल या इंजरी या आर्थराइटिस या वर्टिगो, क्योंकि कोई भी इंजरी जो दबुची का विषय होता है। आभार व्यक्त करता हूँ, आपने भी शायद को सफल बनाने में मुझे अधिक सतर्क है। इसीलिए ज्ञान प्रकाशन में बैठे हैं, कपाल गति करेंगे, पद्मासन पद्मासन में बैठे हैं, कभी सुखासन में जिसे अब तीस तीस के दो राउंड में करना है। इसको फोर्सफुली सांस को बाहर की ओर छोड़ना है, अभ्यास करें, मन को देख लें, लंबी खेती हो जाएगी। और कपाल गति प्राणायाम का एक अंग नहीं है, ये शरीर की शोधन के लिए योगी षट कर्म स्वामी जो गुरु गोरखनाथ जी हैं अपनी तपस्या से इस संसार के रुक जाएं, विश्राम कर लें, शिवा का अभ्यास करें। मैं कर्नाटक की
सांस्कृतिक राजधानी, अध्यात्म और योग की धरती मैसूर को प्रणाम करता हूं। मैसूर जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और सांझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। खासतौर पर तब जब दुनिया ने बीते दो सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया, इन परिस्थितियों में देश द्वीप महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी, सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विंदति। इट मीन्स योगा ब्रिंग पीस फॉर अस। द पीस फ्रॉम योगा इज नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल्स, योगा ब्रिंग पीस टू अवर सोसाइटी, योगा ब्रिंग पीस टू अवर नेशंस एंड वर्ल्ड, एंड योगा ब्रिंग पीस टू अवर यूनिवर्स। दिस माइट फील एन एक्सट्रीम थॉट टू समवन, बट अवर इंडियन सेजेस हैव आंसर्ड दिस विद अ सिंपल मंत्र। Millions of people with inner peace will create an environment of global peace. That's how yoga can connect people. That's how yoga can connect countries. And that's how yoga can become a problem solver for all of us. Sathiyon, Bharat mein hum is baar yoga divas. देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। योग दिवस की ये व्यापकता, ये स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी। इसी भावना को सेलिब्रेट करने के लिए आज देश के 75 अलग अलग ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी ऐतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं। जो ऐतिहासिक स्थान भारत के
जगह है जो सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र है, वो आज योग दिवस के जरिए एक साथ जुड़ रहे हैं। इस मैसूरु पहले का इतिहास में अपना विशेष स्थान है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव, भारत के अतीत को, भारत की विविधता को और भारत के विस्तार को एक सूत्र में पिरोने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इस बार गार्डियन रिंग ऑफ योगा, गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा ही अभिनव प्रयोग आज पूरे विश्व में हो रहा है। दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आज गोरखपुर में योग दिवस के कार्यक्रम में यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसमें शामिल होने का सौभाग्य मिला है। मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो संदेश है वो अभी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और हर व्यक्ति भारत का ही नहीं पूरे विश्व का इससे जुड़ रहा है और योग के माध्यम से अपनी जीवन शैली में सुधार और स्वास्थ्य में सुधार की ओर पूरा विश्व अब अग्रसरित हो रहा है। आपको योग दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक दिवस है, पूरा भारतवर्ष ही नहीं विश्व मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यह संचालित यह कार्यक्रम हो रहा है। आज गोरखनाथ मंदिर में भी यह कार्यक्रम योग दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। यहाँ पर सप्ताह पर्यंत से हो रहा है यह कार्यक्रम। वैसे यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर में प्रतिदिन यह कार्यक्रम होता है। योग हमारे शारीरिक बीमारियों को दूर करने के लिए माध्यम है। आज पूरा विश्व योग की तरफ झुका हुआ है, सारे लोग कर रहे हैं ताकि ये नाना प्रकार की बीमारी जो फैल रही हैं उस बीमारी को दूर करने के लिए योग एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भगवान गोरखनाथ जी से प्रार्थना करते हैं योग दिवस सफल हो और ये निरंतर होता रहे, हर घर में योग का प्रचार प्रसार होता रहे, यही भगवान गोरखनाथ जी से प्रार्थना। किस तरह की बीमारियाँ दूर होती हैं? हर तरह की बीमारी, कोई भी बीमारी, योग हर बीमारियों को दूर करने के लिए है। एक बीमारी नहीं, हर प्रकार की बीमारी, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग अच्छा माध्यम है। बेसिकली हम लोग जो योगा दिवस मनाने आए हैं, बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि आज के डेट में जनरली ये भागम दौड़ में हम लोग ये मान के चलते हैं, अच्छा ये बीमारी हुआ ये दवा खा लें, ये बीमारी हुआ ये डॉक्टर को दिखा लिए, बट प्रिवेंशन पे हम लोग कुछ नहीं करते। तो कुल मिला के अगर हम स्वच्छता पे ध्यान रखें, योग करें, तो डेफिनेटली हम लोग स्वस्थ रहेंगे और प्रिवेंटिव वे में जो 90% डिजीज़ है उस पर हम लोग कंट्रोल पा पाएंगे। तो इसमें बेसिकली हफ्ते भर का योगाभ्यास था और उसका आज ये कार्यक्रम है। उद्देश्य ये है कि पब्लिक रोज करे और स्वस्थ रहे। अभी जनपद में लगभग 8 लाख लोग योगा से जुड़ चुके हैं और ये फिगर बढ़ ही रहा है और आज भी काफ़ी लोग योगा में पार्टिसिपेट अलग अलग जगह कर रहे हैं। मतलब एक बार ये ऑर्गेनाइजेशन हो जाए उसके बाद हम लोग एक फाइनल आंकड़ा देने की स्थिति में रहेंगे कि हमारे पोर्टल पे हमने कितने लोगों को रजिस्टर किया। धन्यवाद।
आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर तारामंडल स्थित ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर्नाटक से किया। वहीं दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित योग दिवस में सदर सांसद रवि किशन, बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, विधायक विमलेश पासवान, राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी सहित हजारों लोगों ने योग किया। इस अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि सभी लोग योग करें, योग करने से दिमाग शांत रहता है। उन्होंने विरोधियों को नसीहत देते हुए कहा कि इन लोगों को मयूरासन करना चाहिए, जितने विरोधी हैं सब लोग मयूर बने, सभी को मोर बनना चाहिए। मयूरासन में लोगों को समझ में आएगा कि पीएम मोदी देश के लिए क्या सोच रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बधाई दी, साथ ही पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गोरखपुर में 8,00,000 लोग अलग अलग स्थानों पर योग किए, प्रतिदिन सभी को योग करना चाहिए, यही प्रधानमंत्री मोदी का संदेश है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन, बांसगांव विधायक विमलेश पासवान, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, जो लोग भी अपने जूते उतार रहे हैं, ये आवश्यक नहीं है कि आप अपने दोस्त के साथ बस के जनमानस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाओं के साथ भगवान शिव के साक्षात स्वरूप श्री गोरखनाथ इस अवसर पर माननीय सांसद महोदय के उद्बोधन के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच आज योग करने का आज एक निर्णय लिया है, लोगों ने प्रण लिया है और कर रहे हैं। अभी हम वहाँ नौकायन पे थे, वहाँ से यहाँ आए, गोरखनाथ मंदिर पर भी हो रहा है, हर जगह पर योग का एक जो जागरूकता है उसको देख के हमको बहुत खुशी हुई है। बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, जो लोग आ गए हैं वो लोग अपना अपना आसन ग्रहण करें। कुछ ही पल में हम लोग योग आसन गुरु जी द्वारा शुरू करेंगे। योग के जो ट्रेनर हैं अभिषेक कुमार मिश्र जी आए हैं, रश्मि सिंह जी हैं और जयंत नाथ रश्मि सिंह जी आए हैं, ये आप लोगों को बताएंगे। ये जो जो योगासन के आज गुण आप यहाँ से लेंगे, कृपया इसको रोज आप प्रैक्टिस करें। कुछ भी आपकी दिनचर्या रहे, कितना भी स्ट्रेस रहे, हर आदमी के जीवन में स्ट्रेस रहता है, हमारे जीवन में भी है। भाग दौड़ सबकी लगी है, 18 घंटे काम करते हैं हम, 19 घंटे काम करते हैं, कभी 3 घंटे नींद मिलती, 4 घंटे नींद मिलती है, लेकिन इसमें योग कसरत शरीर को आपको बना के रखता है, आपको मजबूत रखता है। अब मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, योग को आप अपने जीवन में, जीवन शैली में ज़रूर लाएँ। आपको इसको अध्यात्म से, ईश्वर से डायरेक्ट आपका कनेक्शन हो जाएगा, ये एक आप शक्ति पाएंगे, आप अपने शरीर को पहचान पाएंगे, आप अपने अंगों से बात कर सकते हैं। अगर आप योग की साधना में उस लेवल पर पहुंच गए तो आपको स्वयं अपनी बीमारी को आप हील कर सकते हैं। आप अपने जो लोग योग करते थे उन लोगों ने भी पाया कि योगा वाली शरीर, जो योग करने वाली शरीर है, उसको कोरोना अटैक नहीं कर पाया, कोविड अटैक नहीं कर पाया। तो बड़ी बड़ी बीमारियों से भी आप बचते हैं, हार्ट अटैक से आप बचते हैं, आप बूढ़े नहीं होते हो जल्दी, आपकी स्किन ढलती नहीं है, आपकी स्किन पे, चेहरे पे चमक रहती है। तो ये आप ज़रूर अपनाएं, यही मैं निवेदन बना के रखा है आप लोगों ने। कई सालों से आप 700 से ज़्यादा फिल्मों में देखे हैं और मैं इतना कसरत वगैरह करने वाला व्यक्ति की जो शूटिंग एक्शन फिल्मों की ले आए, कहीं पर भी रहें, 20-25 मिनट अपने शरीर को रोज़ सवेरे कसरत के लिए दें। अगर 1 घंटा देते हैं तो बहुत अच्छा, जल्दी में है तो 20 मिनट कुछ नहीं तो सूर्य नमस्कार आप धारित करते हुए जो समय निर्धारित किया है, दूर दूर बैठे जल्दी करेंगे। डॉक्टर कुमुक मैम बच्चों को, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, योगा मनुष्य जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे, आज योग वैश्विक सहयोग का पारंपरिक आधार बन रहा, निरोग जीवन का भी सवाल ले रहा है। हम आज सुबह से
देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में आध्यात्मिक केंद्रों में दिखे थे, वो आज विश्व के कोने कोने से आ गए। मुझे दिखा दो ये तस्वीरें, आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें। ये तस्वीरें एक सहज स्वाभाविक और सादी मानवीय वेदना की तस्वीरें। खासतौर पर तब जब दुनिया ने बीते दो सालों सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया, इन परिस्थितियों में देश भी महाद्वीप के चुनावों के ऊपर योग दिवस का ये उत्साह ये हमारी तीव्रता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक करोड़ बन गया। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। विश्व सोसाइटी योगा ब्रिंग पीस टू अवर नेशंस एंड द वर्ल्ड एंड योगा ब्रिंग पीस टू अवर यूनिवर्स। दिस माय क्लियर एक्सट्रीम थॉट। आसन में बैठ जाएंगे प्रार्थना के लिए। योग का अभ्यास मनोभाव से प्रार्थना के साथ शुरू करना चाहिए। शंभो मनासि जानताम्। हम सभी प्रेम से मिलकर चले, मिलकर बोले और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भात हम सभी पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। बाईं ओर झुकाना। सावधानियां, गर्दन को बहुत अधिक न खींचें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं तरफ झुकाएं। बाईं ओर के अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। दाईं ओर खिंचाव को भी सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर ले घुमाएं तथा श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक स्कंद संचालन, स्कंद और भुजाओं का संचालन। सावधानी, कंधे की अग्र स्थिति से शुरुआत करें। हाथों की उंगलियां मिली हुई और जमीन की दिशा में हो।
श्वास लेते हुए बगल से दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं, हथेलियों बाहर की दिशा में हो। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए। ये एक चक्र है, एक और बार दोहराएं। लेते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में उठाएं, हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने रखें और भुजाओं को समानांतर रखें। पैरों में एक फुट की दूरी बनाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास लेते हुए वापस आए। ये एक आसन नहीं करना चाहिए। समस्थिति से शुरुआत करते हुए सीधे खड़े हो जाएं, पंजों पर संतुलन बनाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। हाथों को नीचे लाए, बाएं पैर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आए। वीर संबंधित समस्याओं और काला मोतिया की दशा में इस अभ्यास को न करें। समस्थिति से अचुके जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श न करने लगे, रीढ़ की हड्डी से खींचते हुए कमर को यथासंभव खींच चुके और दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें, दाएं हाथ को दाएं हाथ की सीध में करें। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया है। हम सब अभी महंत दिग्विजयनाथ पार्क में थे, ये रामगढ़ताल गोरखपुर में है, और एक बहुत ही भव्य आयोजन हुआ। इसमें माननीय जनप्रतिनिधि श्री रवि किशन जी, श्री कमलेश पासवान जी, श्री विमलेश पासवान जी, श्रीमती निर्मला द्विवेदी जी, जनपद के सभी अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, आयुर्वेद विभाग के सभी अधिकारीगण उपस्थित रहे। सब ने योग किया और संदेश दिया कि प्रतिदिन इसी टाइम पर YouTube पे ये योग का प्रोटोकॉल उपलब्ध है। लोग आज तो उनको एक प्रकार से प्रेरित किया गया है और उद्देश्य यही है कि इस प्रोटोकॉल को चला लें और इस प्रोटोकॉल का कम से कम 1 महीने तक पालन करें। इसके बाद कोई विशेष रोग से ग्रसित हैं तो उस रोग के योगा को करते हुए अपना कार्यक्रम, अपने योग से अपने शरीर को निरोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, पर्व के रूप में, राष्ट्रीय पर्व के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जा रहा है और इसकी जो चेतना है हम सब के जीवन में एक नए संचार का भाव उत्पन्न करेगी, जिससे हम लोग निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। बस यही, सब लोग योग करें। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग डे मनाया, इसको जरूरी है करना। निरोग रहोगे, स्वस्थ रहोगे। मंडलायुक्त रवि कुमार एन जी ने उद्यमियों के साथ आयुक्त सभागार में बैठक की। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एन जी ने व्यापारियों से वार्ता करते हुए कहा कि गीडा में 7.5 MLG क्षमता की CETP स्थापित करने की स्वीकृति नमामि गंगे योजना के अंतर्गत ANMCG भारत सरकार द्वारा 93 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसमें NMCG प्रदेश सरकार, गीडा एवं उद्यमियों द्वारा वित्तीय भागीदारी की जानी है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु SPG का गठन किया जा चुका है।
पर्यावरण स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रगति में है। उन्होंने कहा कि कब्जा बाधित भूखंडों के संबंध में गीडा द्वारा विस्तृत नीति को संपन्न प्राधिकारी बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुमोदन होने की संभावना है। वहीं व्यापारियों ने कहा कि गाड़ी का पेपर होने के बाद भी पुलिस जगह जगह पर परेशान करती है, जिस पर मंडलायुक्त ने पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिया कि व्यापारियों की गाड़ी को परेशान न किया जाए। इस अवसर पर गीडा के CEO पवन अग्रवाल, SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अधिकारी व व्यापारी मौजूद रहे। एजेंडा नंबर 2 औद्योगिक जीएसटी वाला मामला जो है, वो एजेंडा में लेकर सर ने मौके पर पिछले बैठक में जीएसटी का 2 मामला का वहाँ लेके करके गाड़ियाँ जब निकलती हैं, ईवे बिल अगर हाथ से लिखा जाता है तो कई बार गाड़ी को रोक दिया जाता है, तमाम लोगों का फोन आता रहता था, तो उस मैटर को हमने डिस्कस किया था। चालान लगवा दीजिए, नहीं चालान है लेटर हेड पे लिख दीजिए, बिल्कुल संतुष्ट है सर, होना चाहिए था। लिखा रहे वो भी हमारे यहाँ कोई रोक नहीं सकता है, वैसे हमने कहा सर रोका जाता है, तमाम तरीके से तंग किया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं अभी ग्रुप है हमारा, मैं उस पर मैसेज डाल देता हूँ, आपकी गाड़ियाँ नहीं रुकी। NMCG भारत सरकार द्वारा 93 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसमें NMCG प्रदेश सरकार गीडा एवं उद्यमियों द्वारा वित्तीय भागीदारी की जा रहा है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु SPV का गठन भी किया जा चुका है। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु EC की कार्रवाई प्रगति में है, अद्यतन प्रगति से गीडा हो गया है। मिल गया सर NMCG से, उसमें 50% कॉस्ट NMCG देगी सर, बाकी जो 46.5 करोड़ है उसमें 20 करोड़ ऑलरेडी सर स्टेट के लेवल पे ईयरमार्क है सर, 17 करोड़ गीडा से भी बजट सर ऑलरेडी पास है बोर्ड से सर, जो 7-8 करोड़ बचेगा सर उसका स्टेट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और उसमें कुछ उद्यमियों को भी देना था, लेकिन उद्यमियों की तरफ से वो आ रहा है कि ऑपरेशन मेंटेनेंस का दे देंगे, उसका कंस्ट्रक्शन का ना लिया जाए, तो सर भी आए थे उनके संज्ञान में भी है सर, इसका कोशिश कर रहे हैं कि फंडिंग सर कहीं और से टाई अप हो जाए बाकी, लेकिन इसमें फंडिंग के कारण अभी नहीं रुक रहा है सर। अभी जो इमीडिएट चल रही है चीज़ वो SPV का सर गठन इसमें हो गया है सर, SPV का रिकॉन्स्टिट्यूशन होना है, तो NMCG को फाइल उसकी भेज दी है रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसमें गवर्नमेंट के मेंबर नॉमिनेट होने की भी सारा पता गवर्नमेंट का लग रहा है, तो NMCG के लेवल पे है सर, उसका फॉलोअप भी कर रहे हैं, लगभग 20-25 दिन हो गया है, वहाँ पे बात भी की है सर 2-3 बार, वो ये जल्दी हो जाएगा। मीटिंग भी हुई थी, तो स्टेट लेवल कमेटी है, स्टेट इन्वायरमेंट असेसमेंट CR करके जो है सर, तो उन्होंने कुछ क्वेरीज लगाई थी सर, क्वेरीज का जवाब भी दे दिया है सर, वो उम्मीद है कि नेक्स्ट 15 डेज में इसकी दोबारा मीटिंग होकर EC में अप्रूवल हो जाए। जी जी, तो ये पिछले 2 महीने की सर यही प्रॉब्लम। गीडा में 2014 में कब्जा बाधित प्लाट के आवंटन के बचे हुए कब्जा बाधित आवंटी को भूखंड आवंटित 30 भूखंड ऐसे थे जिनका हम नहीं कब्जा दे पाए थे, एक्चुअली ओरिजिनली लगभग 42-43 के आसपास भूखंड थे सर, तो कुछ लोगों ने उस टाइम पे पैसा वापस ले लिया, कुछ लोगों ने प्लॉट चेंज करके हमने उनको ऑफर कर दिया। गीडा में ये है कि प्लॉट चेंज करके ऑफर करते हैं तो करंट रेट पर प्रीमियम देना पड़ता है उनको, तो कुछ लोगों ने उस ऑप्शन को लिया, कुछ लोगों ने नहीं लिया, तो जिन लोगों ने नहीं लिया था उसके बाद 13 लोगों ने सर प्लॉट ले लिया था। सदर सांसद रवि किशन ने देश भर में अग्निवीर योजना पर हो रहे प्रदर्शन पर कहा कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वह लोग फौजी नहीं हो सकते हैं और ना ही उनका उद्देश्य देश सेवा करना है, क्योंकि अगर उनका उद्देश्य देश सेवा करना होता तो वह देश की सरकारी संपत्ति को नहीं जलाते। उन्होंने कहा अग्निवीर सरकार की बहुत अच्छी योजना है, युवा इस योजना के बारे में जानकारी ले। वहीं इस संबंध में बांसगांव के विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान ने कहा कि अग्निवीर योजना देश के युवाओं को समय सीमा के अंदर सशक्त करने का माध्यम है, इसलिए युवाओं को बहुत शालीनता के साथ समर्थन करना चाहिए और प्रशिक्षण लेकर के देश हित में सेवा करनी चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बांसगांव विधायक विमलेश पासवान और सदर सांसद रवि किशन ने कहा, अरे योग करें और अग्निवीरों का तो जीवन में स्वावलंबन और उनको जो है
एक नई स्तर से समय सीमा में उनको जो है सशक्त करने का एक माध्यम है और युवाओं को बहुत ही संयम तरीके से इसका समर्थन कर करके इसमें जो है प्रशिक्षण ले कर करके देश का जो है अग्रिम भूमिका में आकर के पंक्तियों में साथ देना चाहिए। वो फौजी बच्चे नहीं हो सकते, देश को नहीं जलाएगा, देश को फौजी बच्चे नहीं जलाएगा। युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहिए, आप लोग ये योजना को समझे, बहुत अच्छी योजना और इससे आपका भला होगा। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजय नाथ स्मृति भवन सभागार में लोगों ने किया योगाभ्यास। साप्ताहिक योग शिविर का हुआ समापन, कहा शारीरिक बीमारियों को दूर करने का महत्वपूर्ण माध्यम है योग। आजवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सदर सांसद रवि किशन सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने योग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने का दिया संदेश। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने उद्यमियों के साथ आयुक्त सभागार में की बैठक, कहा उद्यमियों के समस्याओं का अधिकारी प्रमुखता के आधार पर करें निस्तारण। अग्निवीर योजना पर देश भर में हो रहे प्रदर्शन पर सदर सांसद रवि किशन और विधायक विमलेश पासवान ने कहा, जो लोग आगजनी व कर रहे हैं प्रदर्शन, वह नहीं हो सकते हैं फौजी, नहीं है उनका उद्देश्य देश सेवा करना। कचहरी बस स्टैंड पर एक डग्गा मार बस को रोडवेज के कर्मचारियों ने सवारी भरते पकड़ा। यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के कर्मचारियों ने कहा, बस को आरटीओ के माध्यम से करवाया जाएगा सीज। डग्गा मार बसों से रोडवेज बसों को होता है नुकसान। आरटीओ अनीता सिंह ने कहा, बस का चालान कर की जा रही है अग्रिम विधिक कार्यवाही। और गोरखपुर विश्वविद्यालय में आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने योगाभ्यास कर निरोगी काया का लिया मंत्र, कहा योग करने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का होता है संचार, रख सकते हैं अपने तन मन तथा मस्तिष्क को स्वस्थ। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगो की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी रोडवेज के कर्मचारियों ने कचहरी बस स्टैंड से एक डग्गा मार बस को सवारी भरते पकड़ा, जिसके संबंध में यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिनेश मणि मिश्रा ने बताया कि डग्गा मार बसों के खिलाफ अभियान चलाकर एक बस को पकड़ा गया है, जो कि कचहरी बस स्टैंड पर आकर सवारी को बैठा रहा था, जिसको देखते दौड़ाकर बस को पकड़ा गया है जो भागने का प्रयास कर रहा था। लेकिन तभी कुछ प्राइवेट बस भाग निकले। यह डग्गा मार बस संचालक अवैध रूप से सवारी को भरते हैं, लेकिन जब रोडवेज के कर्मचारी इनका विरोध करते हैं तो यह मारपीट पर आ जाते हैं। आज भी सवारी भरते पर मना करने पर झगड़ा करने लगा, जिसको पकड़कर रोडवेज पर रखा गया है, जिस पर कार्रवाई के लिए आरटीओ को सूचित कर दिया गया है। इस बस को सीज कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि किसी स्टैंड पर डग्गा मार बसों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित है। वहीं आरटीओ अनिता सिंह ने कहा कि उक्त बस का परमिट की अवधि समाप्त हो गई थी और बस को एआरटीओ एसपी श्रीवास्तव ने मौके पर पहुंचकर बस का चालान कर अग्रिम विधि कार्रवाई किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिनेश मणि मिश्र और दूरभाष पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आरटीओ अनिता सिंह ने कहा, दिनेश मणि मिश्र क्षेत्रीय अध्यक्ष यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन गोरखपुर क्षेत्र। कचहरी बस स्टेशन पर अवैध डग्गा मार वाहन संचालन के विरुद्ध यह प्रदर्शन रहा है। ये डग्गा मार वाहन संचालक अवैध रूप से कचहरी बस स्टेशन पर अपनी सवारियों को भरते हैं। हमारे इंचार्ज साहब, हमारे आराम साहब, हमारे तमाम अधिकारी कर्मचारी जब इनका विरोध करते हैं तो यह आमादा मारपीट पर भी हो जाते हैं। आज भी हम सभी लोग इसी मुहिम पे थे, पार्किंग व्यवस्था में। इसको हम लोगों ने कई बार मना किया, यह मान नहीं रहा था, दुर्व्यवहार भी उतारू था। हम और हमारे इंचार्ज और हमारे तमाम कर्मचारी साथियों ने इसको पकड़ करके विरोध प्रदर्शन के स्वरूप इसको हम लोगों ने बंद किया है और आरटीओ को हम लोगों ने सूचित किया है। अभी वो आएंगे और इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अभी क्या मांग? चालान के लिए अभी हमारी मांग यह है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सीधा स्पष्ट आदेश है कि किसी भी अवैध जगह से, किसी भी स्टेशन परिसर से, किसी भी बस स्टेशन परिसर से कोई भी अवैध वाहन संचालन नहीं चलेंगे। लेकिन इन डग्गा मार वाहन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कचहरी बस स्टेशन माननीय कमिश्नर कार्यालय के सामने स्थित है, इसके बावजूद भी ये बेरोक टोक चल रहे हैं, बेधड़क चल रहे हैं। इनको स्थानीय प्रशासन, आरटीओ और पुलिस का या रोडवेज प्रशासन का कोई डर और भय नहीं है। मैडम, वो कचहरी जो बस स्टेशन के सामने का मैटर क्या था? आज हमारे एआरटीओ प्रवर्तन प्रथम दल ने मुझे ये अभी अवगत कराया है कि रोडवेज के कैंपस के सामने से एक बस, जिसका परमिट ऑथराइजेशन समाप्त हो गया था, वो वहां पर सवारी भरे थे, तो आरएम रोडवेज ने उसे अपने कैंपस में खड़ा करा लिया।
और फिर हमारे एआरटीओ को सूचित किया कि भाई ऐसे ऐसे बस चल रही है, आप आके चालान कर दीजिए। तो मेरे एआरटीओ जो एस पी श्रीवास्तव है वो उन्होंने वहां पहुंच के गाड़ी का चालान किया, गाड़ी को निरुद्ध किया, वहां पे ये कार्रवाई हुई थी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह के नेतृत्व में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कला संकाय के पोर्टिको में विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने योगाभ्यास कर निरोगी काया का मंत्र लिया तथा कुलपति द्वारा योगा करने आए कुछ छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस शिविर में योगाचार्य राजेश्वर यादव, डॉक्टर दिनाय मल द्वारा अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भ्रमणी, ताड़ासन, सरीखे तथा प्राणायाम का प्रशिक्षण दिया गया, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया कि आज पूरी दुनिया में योगा दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री के यूनाइटेड नेशन में योग को उसकी असली जगह दिलाई है। इसका मकसद योग के माध्यम से निरोगी काया की अहमियत को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जो हम सभी के जीवन से जुड़ा है, जो मानव के शरीर को स्वस्थ रखने की एक प्राकृतिक विधा है, जिससे हम अपने तन मन तथा मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं, योग करने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस अवसर पर योगाचार्य राजशेखर यादव, डॉक्टर विनय कुमार मल, अंजलि गुप्ता, प्रोफेसर अजय सिंह, प्रोफेसर विश्वेश्वर प्रसाद, कुल सचिव संत प्रकाश सिंह सहित अन्य विभागाध्यक्ष, आचार्य, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, इस तरह से
चक्की चाल कमर की सरसाइज में होना बहुत जरूरी, कमर बल से बहुत होगा। धीरे धीरे घुमाइए, इतनी जोर से ना चक्की चलाएगी कमर ही लचक जाएगी। चक्की थी किसी को कहाँ कमर दर्द होता, चक्की बाहर और सबको कमर दर्द, कमर पर मोटापा, कमर कमरा हो जा रहा है, कभी हाल हो जाए बहुत बुरा हाल। नहीं करेंगे, कमर दर्द में मना है, जिनको नहीं हो रहा है तो समय ही का रेस्टरूम बना लो। तो आप सभी तारासन कीजिए सुबह, पेट बिल्कुल साफ, पेट सफा, सब रोग दफा। ज्योतिर्गमय रतयोमा मृतम गम्य सर्वे भवन्तु सुखिनः, शांति शांति शांति। कीर्ति त्रिपाठी आपदा प्रबंधन के छात्र हैं, छात्रा हैं, ये राष्ट्रीय सेवा योजना। और देश कुमार आठवां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। इस दिवस पे हम लोग ने एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, विश्वविद्यालय के एनसीसी के छात्र, रोवर्स रेंजर के छात्र और एनएसएस के छात्र, सारी फैकल्टी और पीएचडी और पीजी स्टूडेंट सब यहाँ उपस्थित थे। मैं इस दिवस पे सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि ये दिवस योगा फॉर ह्यूमनिटी, योगा फॉर मानवता के लिए मनाया जा रहा है, इस टूर पे हम करेंगे। और इस दिवस पे विश्वविद्यालय एक कार्यक्रम, करीब 14 दिन का एक योगा शिविर लगाने जा रहा है फ्री में, अपने छात्रों के लिए और अपने टीचर्स के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए। जनमानस से यही है कि ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस इसलिए मनाया जाता है, योगा एक विश्व को भारतीय देन है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने 177 कंट्रीज़ के साथ ये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने की कहा है। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको योगा करें, अपनी दिनचर्या में लाएं और अपना वे ऑफ लाइफ इससे बनाएं, हेल्थ सुधारें, अपना मानसिक संतुलन रखें, यही मेरे विचार हैं। धन्यवाद। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजय नाथ स्मृति भवन सभागार में लोगों ने किया योगाभ्यास। साप्ताहिक योग शिविर का हुआ समापन। कहा, शारीरिक बीमारियों को दूर करने का महत्वपूर्ण माध्यम है योग। आजवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सदर सांसद रवि किशन सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने योग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने का दिया संदेश। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने उद्यमियों के साथ आयुक्त सभागार में की बैठक। कहा, उद्यमियों के समस्याओं का अधिकारी प्रमुखता के आधार पर करें निस्तारण। अग्निवीर योजना पर देश भर में हो रहे प्रदर्शन पर सदर सांसद रवि किशन और विधायक विमलेश पासवान ने कहा, जो लोग आगजनी व कर रहे हैं प्रदर्शन, वह नहीं हो सकते हैं फौजी, नहीं है उनका उद्देश्य देश सेवा करना। कचहरी बस स्टैंड पर एक डग्गामार बस को रोडवेज के कर्मचारियों ने सवारी भरते पकड़ा। यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के कर्मचारियों ने कहा, बस को आरटीओ के माध्यम से करवाया जाएगा सीज। डग्गामार बसों से रोडवेज बसों को होता है नुकसान। आरटीओ अनीता सिंह ने कहा, बस का चालान कर की जा रही है अग्रिम विधिक कार्यवाही।
और गोरखपुर विश्वविद्यालय में आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने योगाभ्यास कर निरोगी काया का लिया मंत्र। कहा, योग करने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का होता है संचार, रख सकते हैं अपने तन मन तथा मस्तिष्क को स्वस्थ। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।